उसके लिए सर हम दिखाने वाले आपको कि कैसे आपसे एक पेन ड्राइव को सिंगल बूट कर सकते हो, विंडोज 7, 10 जो भी हो। तो सिंगल बूट के लिए हम खोलेंगे रूप्स कुछ ऐसी तरीके से दिखता है आपको। पहले आपको पेन ड्राइव सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आईसी इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर। तो आईसी में सिलेक्ट करने के बाद हम इधर ओपन करेंगे। उधर हमारा जो फॉर्मेट टाइप है तो उधर हम GTP में नहीं करेंगे, उसे आप MBR में करेंगे। MBR करने से आपको पार्टीशन फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। उसके बाद इधर भी आप कोई चेक नहीं करेंगे, इधर आप कुछ भी नहीं करने का। उधर हम हाइड कर दिए उसको। तो उसके बाद हमारा जो इधर वाला सेक्शन है, इधर वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। यह वाला भी सही है, इधर क्विक बूट फूट सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्ट होता है। तो इधर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इधर वाला भी कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा जो स्टार्ट का बटन है हम उसे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो डाटा इरेज का ऑप्शन देगा, इसको हम ओके कर देंगे कि पेन ड्राइव में सारा का सारा चीज़ इरेज होने वाला है। तो आप अपना पेन ड्राइव का बैकअप ले लीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, कम से कम 5-10 मिनट में हो जाता है। तो मेरा केस में तो 5 मिनट हो गया था, तो मैं इसको लास्ट में दे रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो जो भी हो यार, मैं इसे थोड़ा सा वीडियो को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि टाइम बचना है यार, टाइम का बहुत कमी होता है आप लोगों के पास, मेरे पास। तो थोड़ा सा स्किप करेंगे वीडियो को। ये सिर्फ दोस्तों सिंगल बूट के लिए, डुअल बूट नहीं है, ओनली एक पेन ड्राइव में एक ही हो जाएगा। एक पेन ड्राइव में 2 हो जाने वाले, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो चुका है मेरा, कलर में 5 मिनट में हो जाता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो आपको कितना वक्त लेता है मुझे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इधर हम हमारे जो इसमें आ जाएंगे विंडोज़ पे पार्टीशन पे, देखिए दोस्तों इधर बूट हो चुका है हमारा पेन ड्राइव एकदम मस्त तरीके से। आइकन वाइकन भी सब कुछ शो कर रहा है, आपका किसमें आइकन शो नहीं कर रहा, तो पेन ड्राइव बाहर करके फिर अंदर ढुकाइए, अंदर घुसाइए तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उसके बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे, गूगल क्रोम खोल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे रूप्स ओनली, और कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके हम क्लिक करेंगे। ऑफिशियल साइट में ढूंढने के बाद देखिए कि इस तरीके से आपको इमेज कैसा है वो दिखाने वाला है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद उधर जो डाउनलोड है, डाउनलोड पे हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने वाला है, जस्ट सिंपल उधर एक क्लिक करने वाला है, वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये सॉफ्टवेयर का लिंक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल नया है दोस्तों, और भी कंटेंट मिलने वाला।